Video, we are going to discuss about electronics manufacturing in India. Like, uh, what are the challenges with respect to electronics manufacturing and what can be the solutions? Okay, okay, so before going into the challenges, uh, we have to see this that the government of India unveiled three schemes with an outlay of about rupees 48,000 crores. टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग इन इंडिया एंड दीज स्कीम्स आर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ठीक है लाइक प्रोडक्शन लिंक्ड उसमें कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा स्कीम फॉर प्रमोशन Of manufacturing of electronic components and semiconductors. The first is production linked incentive, second is scheme for the pro uh, promotion of manufacturing of electronic components and semiconductors, and third is modified electronics manufacturing clusters. Uh, ये क्लस्टर है तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स होंगी जो कुछ बनाता होगा जो कुछ बनाता होगा इस तरीके से जो क्लस्टर्स होते हैं तो उसके बेसिस पे मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स ओके तो ये तीन स्कीम्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें आ, याद करनी है सी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द काइंड ऑफ फोकस द गवर्नमेंट इज़ गिविंग ऑन ई गवर्नेंस एंड we'll try to see national policy on elect, uh, electronics uh, manufacturing as well because government has a set target with respect to it because problem is that we uh, tend to import a lot of you know electronic equipments uh, uh, from um, china Fine. So uh, time and again, there has been demand uh, from the Indian side and from the Indian industry side as well that we should try to look for, you know, a manufacturing of these electronic equipments in India. And as a result of that, this much amount has been announced and these schemes are there. OK, now. So challenges in electronics manufacturing in India. First is missing profits.

ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं विच इफ विल बी एबल टू यूज इन अर आंसर्स दैन डेफिनेटली द एग्जामिनर विल फील है दिस बंदा इज हैविंग दिस बंदा बंदी इज हैविंग यू नो क्वाइट सफिशेंट नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू इट नाउ इन द एरा ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेंज द वैल्यू एडिशन एट द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी लो स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज द मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग ग्रेटर वैल्यू एडिशन अकर प्रायर टू असेंबली इन अपट्रीम इंडस्ट्रीज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटीग्रेटेड uh, सर्किट्स बनाना है आई सी बनानी है ठीक है अब ये जो है आईसी जब तक आपके पास नहीं होगी आप उस सर्किट का काम नहीं कर सकते हो यू कॉन्ट डू प्रोग्रामिंग इन दैट आई होप दो आर इंजीनियर्स दे मील बी गेटिंग इट दैट विदाउट आईसी इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑफ इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल टू प्रोग्राम राइट द इम्बेडिड सिस्टम्स द इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स एंड ऑल इवन द प्रोटोटाइप दैट वी क्रिएट नाउ द थिंग इज दैट नाउ दिस इज अ डाउन प्रोडक्ट फाइन सो वॉट हैपन्स बिकॉज Uh, जब हमारी कैपेसिटी इन डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स को बनाने की नहीं है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड वी नो दैट जो फाइनल स्टेज होती है जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज होती हैं वो फाइनल स्टेज पे काम करती हैं एंड वहाँ पे उतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में होता नहीं है ठीक है तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान के काम करना है कि हमें कौन से लेवल पे काम करना है किस किन इंडस्ट्रीज को एक्चुअली हमें प्रमोट करना है तो दीज इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसर्स डिस्प्ले पैनल्स मेमोरी चिप्स कैमराज ठीक है एंड अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं करेंटली दीज इम्पोर्ट्स नियरली कॉन्स्टिट्यूट एटी परसेंट ऑफ दिज कॉम्पोनेंट्स फ़ाइन एटी परसेंट ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए वह हमें इम्पोर्ट करने पड़ते हैं विद अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ द इम्पोर्ट्स कमिंग फ्राम चाइना अलोन तो इस एट्टी परसेंट का सिक्सटी सेवन परसेंट जो है वो चाइना से आता है फाइन तो प्रॉब्लम यही है कि ये जो अप स्ट्रीम सॉरी मैंने इन्हें डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज बोल दिया था बट ये अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं ये जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं इनमें हमारी जो इंडिजीनियस कैपेबिलिटी है दैट इज वेरी लिमिटेड ओके नाउ थर्ड इज एब्सेंस ऑफ फाउंड्रीज इन द एब्सेंस ऑफ फाउंड्रीज फाउंड्रीज मीन्स सेमी कंडक्टर फेब्रिकेशन प्लान जहाँ पे माइक्रो जो चिप्स होती हैं वो प्रोड्यूस करी जाती हैं तो इन द एबसेंस ऑफ फाउंड्रीज इंडिया हैज़ टू रिलाई ऑन फॉरन कॉन्ट्रैक्टर्स टू प्रोड्यूस माइक्रो चिप्स देयर आर अबाउट 170 सेवेंटी कमर्शल फाउंड्रीज ग्लोबली ग्लोबली बात करें तो 170 सौ सत्तर फाउंड्रीज़ हैं बट इंडिया के पास में एक सिंगल फाउंड्री भी नहीं है जिसमें कि ये सेमी कंडक्टर जो बेस्ड जो माइक्रो चिप्स होते हैं ये प्रोड्यूस की जा सकें चिप मैन्युफैक्चरर्स लाइक इंटेल, टी टी एस एम सी सैमसंग चूज अदर कंट्रीज इंस्टेड ऑफ इंडिया साइडिंग सर्टेन अनसर्टेन डोमेस्टिक डिमांड एंड पुअर कॉस्ट एफिशंसीज हेयर ठीक है हाउ एवर बिकॉज जब से 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी भी आई है एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू फोकस द थिंग इज द गुड थिंग इज दैट वी हैव रिकगनाइज दैट येस दिस इज द प्रॉब्लम इन आर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सो वी हैव रिकगनाइज एंड वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट वी हैव फॉर्मड सम सॉर्ट ऑफ एम विद सैमसंग ऑल्सो टू सेट इट्स फैसिलिटी नोएडा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व एट वेरियस फ्रंट्स ओके ओके okay, सो so, uh, पहला हमने देखा कि जो वैल्यू एडिशन है वो काफ़ी कम है दूसरा हमने देखा कि अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ में उतना ज़्यादा कैपेबिलिटी हमारी नहीं है एंड थर्ड इज़ एब्सेंस ऑफ फाउंड्रीज सो ये जो फाउंड्रीज़ हैं मतलब जहाँ पे ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं प्रॉब्लम क्या है इसमें ओके सी द प्रॉब्लम इज़ इट रिक्वायर्स मैसेव कैपिटल एक्सपेंडिचर टू द ट्यून ऑफ यू एस डॉलर टू बिलियन एंड मोर बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है एंड ऑब्वियसली वी नीड फंड्स फॉर इट ओके वी आर वी हैव फंड्स कॉन्स्टेंट सी कैपिटल जब भी हम बोलते हैं इसका मतलब सिर्फ फंड्स नहीं होता है इसका मतलब आपकी कैपिटल uh, इस तरीके से भी हो सकती है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर ओके असच दैट यू हैव Uh, foundries are also required to adopt newer technologies and processes almost every 18 months to ensure competitiveness, which means high capital depreciation and often accounts for 50 to 60 percent of the production. See, whatever these foundries are, they have to be upgraded within a span of 18 months. Okay, and obviously, whenever upgradation is required, even if you have to update your windows, you need money for that i'm talking about original windows okay so the thing is for any updation with respect to technology it requires money fine until and unless it's free Uh, जैसे हमारे फ़ोन में अपडेट आ जाते हैं तो एनी वेज बट यहाँ पे सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा वी नीड यू नो फिज़िकली ऐसी मशीन्स हमें चाहिए जो सेमी कंडक्टर चिप्स बनाती हैं कि हम उन्हें अपग्रेड कर पाएँ क्योंकि आजकल द टाइम इज़ कि द स्मॉल द साइज ऑफ द चिप इज ऑफ द टेक्नोलॉजी इज़ द मोर कन्वीनियंट इट इज़ फाइन सो उसके लिए डे बाई डे हर कंपनी कॉम्पीट करती है सो दिस इज़ द प्रॉब्लम नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक प्लेयर्स हैव ऑल्सो शोन लो इंटरेस्ट ड्यू टू their inability to compete with tech giants in research and development and investment and the problem is that even our indigenous industry industrialists don't want to make these things why because they know that if they will invest in these kind of industries then they will have to do a lot of research fine they have to compete with the tech giants which are already there in the market which requires a lot of investment so they don't want to come Fine, and that's why the government has provided production-linked incentives and uh, a scheme for promotion of uh, electronic equipments and all. Fine. Due to this, proposals to develop foundries in Gujarat and UP in recent years were abundant. Many industry experts also cite the lack of foundry as contributing to low R&D in this sector in India, which results in poor talent retention and eventually brain drain. Fine. Now, the Indian Space Research Organization, Isro and DRDO, Defence Research and Development Organization have their own foundries. Uh, they are having their own foundries. Fine, they don't have to like import because obviously there is a matter of security as well. But their use is restricted for space and defense, respectively. Okay, so these are the challenges in setup of. Uh, setup of uh, foundries. Then national security considerations. See, I'm just talking about challenges in setup of foundries. Okay. Uh, national security considerations ki agar hum baat karen, most of the chips as well as components used in Indian communication and critical systems are imported tk okay. now this could hamper national security and sovereignty as backdoors could be programmed in chips during manufacturing which could compromise networks and cyber security fine now see इट्स ऑल्सो सेट दैट बिकॉज अभी हमें पता है कि अब हमारे क्रिटिकल uh, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर साइबर अटैक्स भी हुए हैं कुडानकुलम पावर प्लांट जो है वहाँ पर भी साइबर अटैक हुआ था इवन ये कहा गया कि जो मुंबई की पावर आउटेज हुई थी शॉटेज uh, हुई थी uh, उसमें भी साइबर क्राइम इन्वॉल्व है सो लाइक द थिंग इज द क्वेश्चन आर दैट हाउ कैन वी ट्रस्ट दीज इम्पोर्ट्स Fine. How can we say that we are uh, cyberly secured when we import a lot of e electronic equipments which we use in our critical infrastructure from China, especially from China. Fine. So, this is a challenge for Hamari electronics manufacturing ke liye, that obviously it somehow compromise the national security considerations. But adding on to this, I would like to say that even if we don't import from China, fine the kind of attitude people in india have within these industries fine uh, like um, uh, uh, it has been told by one of the officers that uh, uh, when a new modem is connected within a building then they are told to change the password with respect to the building for the security purposes but it has been seen that for years they'll continue to use the same password of the wi-fi for their organization so this is the basic actually understanding with respect to cyber security that one has to do but people are not having this thing so how can you talk that if we somehow uh, you know um, uh, replace it with the Indian electronic equipment, we, we, we will be more cyberly secure. But, anyways, apart from the people attitude, obviously, this is a challenge with respect to national security. Now, I have talked about this backdoor. See, backdoor refers to any method by which authorized and unauthorized users are able to get around normal security measures and gain high level user access on a computer system. और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे हम बोलते हैं ना बैकडोर एंट्री कोई सीधे से नहीं आ सकता है तो पीछे के दरवाजे से आ जाएगा फाइन इट्स सम वॉट लाइक दैट नाउ इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स इट्स एक्सपेक्टेड दैट इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्ट्स विल सून ओवरटेक क्रूड ऑयल एज इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्ट कमोडिटी विच विल रिजल्ट इन असेंबली यूनिट्स एंडिंग अप एज लिटिल मोर देन मेयर पैकेजिंग यूनिट्स

fine. so uh, these are the challenges. what can be the suggestions? as uh, upcs parent, we have to suggest something. see, increasing investments. the total outlay of scheme of promotion of manufacturing of electronic components and semiconductors must be increased from the current rupees 3300 crore to attract the microchip giants. obviously, investment increased. be hai. the government launched specs. Wait, I mean. see the government launched uh, spacs to provide a 25% incentive on capital expenditure for semiconductor manufacturing among among other core components. The economic impact of a foundry is immense. खेर, इतना डेटा आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है. मेन चीज ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है अपनी स्कीम्स में. According to a recent report, a single foundry फाउंड्री हम बात कर चुके हैं जो माइक्रो चिप्स वगैरह बनती हैं अ सिंगल फाउंड्री के नफसेट इम्पोर्ट वर्थ यू एस डी एट बिलियन एक फाउंड्री अगर इंडिया में होती है जहाँ की अभी एक भी नहीं है इंडिया में उससे हमारा जो इम्पोर्ट बिल है ना वो कम से कम एट बिलियन तक कम हो सकता है ओवर अ प्रोजेक्टेड पीरियड एंड हैव फर्दर मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ यू एस डॉलर फिफ्टीन बिलियन ऑन द क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नाउ सजेशन दूसरा क्या है प्रॉफिटिंग फ्रॉम एंटी चाइनीज सेंटीमेंट्स Due to the USA allegations on China for worsening COVID 19 and India China conflict and recent development as a result of it, numerous multinational companies are shifting their production out of China. ये देखा गया था अभी पास्ट में कि बहुत सारी जो कंपनीज uh, हैं देखिए बहुत सारी नहीं प्रैक्टिकली तो कुछ कंपनीज़ जो हैं वो चाइना को छोड़ने की बात कर रही हैं बिकॉज इट्स वेरी वेरी अ कंपनी टू लीव अ प्लेस जहाँ पे वो इतने सालों से काम कर रही हो जिसकी ट्रेड रिजीम से लेकर हर चीज़ वो बहुत अच्छे से जानती हो दे आर वेल सेटल्ड दे और देअर दे हैव देयर इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज आउट देयर सो ऑब्वियसली बहुत सारी नहीं लेकिन कुछ कंपनीज़ जो हैं देर मूविंग आउट ऑफ चाइना बिकॉज ऑफ Uh, the kind of behavior China is showing in the international relations. Uh, so, this thing India utilized the USA and UK have blocked China's access to chip making tools and designated China Chinese telecom giants as national security threats. It is a golden opportunity for India to act fastly on it and attract this outgoing investment. और इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया इन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करे और अपने हाथ से ना जाने दे ओके सो लास्टली पुशिन पुशिंग मेक इन इन इंडिया There इज अ नीड टू प्रमोट semiconductor manufacturing मैन्युफैक्चरिंग assembly units असेंबली in India. इन इंडिया दिस विल local ग्रेटर लोकल प्रोडक्शन ऑफ also एंड the फ्यूल द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल मेकिंग Making India successful. In 2019, the Union Cabinet gave its approval to the National Policy on Electronics 2019, which envisions positioning India as a global hub for electronic system design and मैन्युफैक्चरिंग जिसको शॉर्ट में ई बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं हम इंडिया को अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी एंड विल ट्राई टू डिस्कस दिस पॉलिसी एज वेल एंड दैट इज़ विद द चैलेंजेस एंड सजेशन्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग इन इंडिया एंड थैंक यू